हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल प्रेस के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। मैं राकेश जायसवाल। आज हम बात करेंगे दोस्तों 10 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन की जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक ट्यूटोरियल प्रेस के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फाइनली बात करते हैं 10 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन की जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। तो दोस्तों आमतौर पर महंगे स्मार्टफोन की चर्चा होती है, और हो भी क्यों ना, अब सारे अहम फीचर्स आपको इन हैंडसेट का हिस्सा हो गई है तो ध्यान खींचा चला जाना लाजमी है। लेकिन ज़्यादातर यूजर्स किफ़ायती हैंडसेट पे पैसे खर्च करना पसंद करते हैं। अगर बात करें बजट सेगमेंट की, तो बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन की अच्छी बात यह है कि ये समय के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। यही वजह है कि ग्राहकों के लिए आज की तारीख में 10,000 रुपये की रेंज में एक बेहतरीन स्मार्टफोन आपको मिल जा रही है। यह भी सच है कि इस कीमत में आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिलने वाले हैंडसेट की तुलना में कुछ समझौता करना पड़ सकता है। लेकिन हमने आपके लिए कुछ सूची तैयार की है जिनमें पिछले कुछ महीनों में लॉन्च किया गया है उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। तो चलिए फाइनली अब शुरू करते हैं। तो हमारे टॉप लिस्ट में है वाइप के 5 प्लस। 10,000 रुपये के प्राइस रेंज में हमारे डेटाबेस पर यह टॉप रेटिंग वाला स्मार्टफोन है। वाइप के 5 प्लस बहुत सारे डिपार्टमेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हैंडसेट नज़रअंदाज करना गलत होगा। जो लोग बेहतर बैटरी लाइफ की तलाश में हैं वे इससे निराश हो सकते हैं। सेकेंड आता है हमारा ली वन एक्स इको की। तो 9,999 रुपये में मिलने वाला यह स्मार्टफोन हमारे द्वारा बनाए गए सूची का हिस्सा बनने में कामयाब हो गया। यह फ़ोन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह फ़ायदे के सौदे के लिए काफ़ी अच्छा है। अच्छी परफॉर्मेंस और साथ में मिलने वाले कुछ ऑफर आपको लेको वन एक्स को खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है। हालांकि कैमरा और बैटरी के कारण कई लोग इस स्मार्टफोन को खरीदना नहीं चाहेंगे। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपको मिल जाएगा कूलपैड नोट 3 लाइट। कूलपैड नोट 3 लाइट 10,000 रुपये वाले स्मार्टफोन सफलता के झंडे गाड़ रहा है। फिंगरप्रिंट सेंसर और बेहतरीन कैमरा से लैस यह स्मार्टफोन लॉन्च के 2 महीने बाद भी बेहतरीन विकल्प है। कैमरा आपको निराशा कर सकता है, लेकिन आप बार बार फोन चार्ज करने के टेंशन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। यह इस प्राइस रेंज में एक बेहतरीन विकल्प है। और चौथे नंबर पर आता है हमारा जोलो एरा 4K। फरवरी के मंथ में लॉन्च किया गया जोलो एरा 4K हमारे बैटरी स्टेटस में इस लिस्ट में मौजूद काफ़ी अच्छा है। इसकी बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। इसके दोनों सिम कार्ड 4G कनेक्टिविटी के साथ आते हैं। डिस्प्ले थोड़ा सा निराशाजनक है, और एक बार फिर फ़ोन का कैमरा बेहतरीन नतीजे नहीं देता। अगर आपकी प्राथमिकता फोटोग्राफी है तो दूसरे विकल्प आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इस फ़ोन की कैमरा काफ़ी अच्छा नहीं है। पांचवा नंबर आता है हमारा Xiaomi Redmi Note 3 की। तो Xiaomi Redmi Note 3 10,000 रुपये के बेहतरीन स्मार्टफोन की पिछली सूची का हिस्सा था। हमारे हिसाब से यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। डिजाइनिंग, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की तारीफ हम कर सकते हैं। हमने रिव्यू में की भी थी। कैमरे की परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। आपको मालूम होगा कि इस बजट में यह बेहतरीन फ़ोन रेटिंग के साथ काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे छठे नंबर पे आएगा इनफोक्स विंगो 15 की। तो लेनोवो वाइब के प्लस की तरह इनफोक्स विंगो 15 हमारी इस सूची का हिस्सा किसी खास फीचर के कारण नहीं है, बल्कि यह भी लगभग सभी कैटेगरी में अच्छी परफॉर्मेंस देता है। 10,000 रुपये की रेंज में यह बेहतर रेटिंग वाले कैमरे के साथ आता है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी लाइफ और बेहतर हो सकती थी। 4G सपोर्ट और एंड्रॉयड 6.0 मार्शमैलो के साथ यह खराब विकल्प नहीं है, खासकर जब आप बजट से काफ़ी गंभीर हो। तो दोस्तों ये अमेरिकन कंपनी इनफोक्स विंगो 50 आपके लिए बेहतर विकल्प हो भी सकता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो 7वें नंबर में आएगा मेरा कूलपैड नोट 3 प्लस। कूलपैड नोट 3 प्लस लाइट की तरह कूलपैड नोट 3 प्लस भी हाफरमौला है। मात्र 2,000 रुपये अतिरिक्त खर्च करके आप बेहतर डिस्प्ले और बेहतर कैमरा पाते हैं। कई यूज के लिए ये बेहतर है। अहम फीचर के साथ आपके साथ भी ऐसा है तो आप
तो आपको लाइट वेरिएंट की जगह नोट 3 प्लस बड़ा फोन जताना चाहिए। बेहतर डिस्प्ले का असर बैटरी लाइफ पर दिखेगा। अगर बैटरी आपकी प्राथमिकता है तो लाइट वेरिएंट अब भी बेहतर और सस्ता है। आठवें नंबर पे आता है LG के K7 LTE की। तो LG के LTE के कैमरे की परफॉर्मेंस के कारण इस सूची का हिस्सा बनने में लगभग चूक गया था, लेकिन डिजाइनिंग और बैटरी लाइफ के कारण सूची का हिस्सा बनने में कामयाब रहा। 4G सिम कार्ड और VoLTE के सपोर्ट ये करता है, लेकिन इसकी कीमत में कुछ कटौती करनी चाहिए थी क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी लो है। अब नेक्स्ट इनमें इनफॉक्स विंगो 21 की कीमत 5,000 रुपये रखी गई है। इस वजह से कई कमियों के बावजूद यह सूची का हिस्सा बनने में दोस्तों कामयाब हो चुका है। अगर आप एक ऐसे फ़ोन की तलाश में हैं जो बेहतरीन लाइफ दे और उसकी कीमत भी कम हो, तो यह आपके लिए। डिस्प्ले और कैमरा बेहद ही ख़राब है, लेकिन ठीक ठाक बिल्कुल क्वालिटी के साथ 4G सपोर्ट है इसका। इस स्मार्टफोन के खरीदने के कारण कुछ कम बजट भी आपका हो सकता है। अगर आप दोस्तों कम बजट में फ़ोन लेना चाहते हैं तो इनफॉक्स विंगो 21 आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन भी है। थोड़ा सा इसमें आपको निराशा कर सकता है बैटरी और कैमरे की क्वालिटी, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बात करें तो इनफॉक्स विंगो 21 काफ़ी अच्छा है। और 10वें नंबर पर हमारा आता है कार्बन L50 HD की। तो 6,000 रुपये की रेंज में मिलने वाला है कार्बन HD L50 HD इस लिस्ट के सबसे सस्ते फ़ोन में से है। अच्छी बात है कि कम कीमत के बावजूद इसके फीचर्स के साथ बहुत समझौता नहीं किया गया है। अगर आपके पास पैसे खर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो एक हाफरमोला सेट की तलाश में अगर हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प होगा। डिजाइनिंग डिस्प्ले कार्बन L50 HD एक अहम खासियत के साथ इसकी कीमत का ध्यान रखते हुए आपको हमारी भी काफ़ी अच्छा है पसंद है। कैमरा ख़राब नहीं कहा जा सकता, इसका कैमरे की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों ये तो हो गया 10 ऐसे बेहतरीन स्मार्टफोन की जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि अगर आपको इस तरह और वीडियो मिलता रहे तो दोस्तों हमारे ट्यूटोरियल प्लस के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।